हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस बायोलॉजी सीरीज चैप्टर नंबर 10, और वो है ऊतक, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो देखिए, सबसे पहले मैं टिश्यू को डिफाइन करता हूँ। टिश्यू क्या है? कोशिका का समूह। जैसे हम लोगों ने हम लोग जानते हैं कि किसी भी जीवन की, किसी भी जीवधारी की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। और जब ये कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, आपस में मिलती हैं और एक पर्टिकुलर काम करती हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं ऊतक है। तो हम लोग हर कोशिका के समूह को ऊतक नहीं बोल सकते हैं। कोशिका का समूह जो कोशिकाएं एक प्रकार की हों और एक प्रकार का ही कार्य करती हों, उनको हम लोग, उन कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल विच इज हैविंग सेम ऑरिजिन एंड सेम फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यू। एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ यहाँ कि ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। जो स्टडी ऑफ टिश्यू है, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि ऊतक को क्लासिफाई कर लेते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हिंदी में बोलते हैं पादप ऊतक, और एनिमल टिश्यू को बोलते हैं जंतु ऊतक। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में और पादप ऊतक के बारे में। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे लगातार बढ़ते रहते हैं, लगातार बढ़ते हैं, जीवन भर इनकी जो वृद्धि है वो होती रहती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग जंतु की बात करें, तो जंतु की जो वृद्धि है, जंतु का जो विकास है, वो एक एज तक होता है, एक निश्चित डेफिनेट एक एज तक होता है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है कि उनकी जो सेल है, उनकी जो कोशिकाएं हैं, वो लगातार विभाजित होती रहती हैं। लेकिन एक पॉइंट और हमने क्लियर किया था कोशिका वाले चैप्टर में कि पादप में हर कोशिका विभाजित नहीं होती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में हर कोशिका विभाजित होती है, केवल तंत्रिका कोशिका को छोड़कर पादप में केवल कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं ही विभाजित होती हैं, और वही कोशिकाएं संयुक्त रूप से ऊतक बन जाती हैं। अब देखिए, हम लोग पादप ऊतक को दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है विभाज्य ऊतक, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? हमने पढ़ा है कोशिका विभाजन में, तो वो विभाजन कौन सा है? माइटोसिस। ये माइटोसिस है जिसको हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। मतलब इनमें क्रोमोसोम की संख्या में कोई भी अंतर नहीं आएगा। चलिए, तो ये जो प्लांट टिश्यू है, पादप ऊतक है, विभाज्य ऊतक वो है, ऐसे ऊतक जो विभाजित होते रहते हैं। अब ये ऊतक कहाँ पाए जाएंगे? सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये एक पौधा है, तो पौधे का जो ऊपर वाला पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, शूट बोलते हैं, SHOOT, मतलब पौधे का जैसे तना है, तो तने का जो सबसे ऊपर वाला भाग है वहां पे मिलेगा विभाज्य ऊतक, जड़ों में मिलेंगे विभाज्य ऊतक, साइड में मिलेगा विभाज्य ऊतक, और पेड़ पौधों के बीच में नोड पाए जाते हैं। नोड, जैसे आप लोग अगर गन्ना देखे होंगे कभी, तो गन्ने में बीच बीच में ऐसे ऐसे लाइन बनी रहती है, छोटे छोटे उसके टुकड़े आपस में जुड़े रहते हैं, उनको बोलते हैं नोड। तो देखिए, ये जो विभाज्य ऊतक है कहाँ का मिल रहा है? हमको मिल रहा है टॉप पर, तो हम लोग इसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, या हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिकल। ठीक है, बीच में मिलेगा, इसको बोलेंगे अंतर्वेशी, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। ठीक है, और साइड में मिलता है, इसको बोलते हैं लेटरल। अब इनका काम देख लीजिए, काम क्या है? देखिए, पौधे की लंबाई बढ़नी है, तो जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक है उसमें विभाजन होगा, जड़ों में विभाजन होगा। अगर उसकी चौड़ाई बढ़नी है, तो उसका जो पार्श्व है, लेटरल मेरी स्टेम है, लेटरल पार्श्व विभाज्य ऊतक है, उसमें विभाजन होगा। ये ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कोशिकाएं जीवित हैं, जीवित कोशिका होगी उसी में विभाजन हो सकता है। चलिए, जब ये ऊतक विभाजित हो जाते हैं, उसके बाद ये विभाजित होने की अपनी जो कैपेसिटी है उसको खो देते हैं। मतलब क्या हुआ कि विभाज्य ऊतक विभाजित होने के बाद अपनी कैपेसिटी को खो देगा, मतलब अब वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं होगा और विभाजित नहीं होगा। तो
तो ऐसे ऊतक फिर क्या बन जाते हैं? वो ऊतक बन जाते हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। मतलब क्या हुआ कि जो ऊतक विभाजित हो रहा है वो है विभाज्य ऊतक, और विभाजित होने के बाद उसने अपनी कैपेसिटी खो दी, अब वो विभाजित नहीं होगा, उसकी जितनी संख्या है उतनी ही रहेगी, तो बन जाते हैं स्थायी ऊतक। अब देखिए, स्थायी ऊतक को भी दो भागों में बांट लेते हैं, सरल मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इनको कॉम्प्लेक्स और सिंपल किस बेसिस पे बोला है? यहां पर केवल एक प्रकार की कोशिका है और यहां पर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हैं। ठीक है, देखिए हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ये चैप्टर एक्चुअली में कोशिका और ये जो ऊतक हैं इन पर कम क्वेश्चन बनते हैं, और जितने भी बन सकते हैं वो सब मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक वो ऊतक हैं जो विभाजित तो नहीं होंगे और केवल एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बने हैं। जटिल वो हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए, सरल स्थायी ऊतक को भी हम लोग तीन भागों में बांट लेते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। मैं नाम लिख देता हूं पैरेन्काइमा, इसको बोलते हैं कोलेनकाइमा और इसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। देखिए, अब ये जो पैरेनकाइमा है ये पौधे की बाहरी परत बनाती है, जैसे लीव है, पत्ती है, पत्ती की जो सबसे बाहर वाली सरफेस है चिकनी वाली, वो है पैरेनकाइमा से बनी हुई। कोलेनकाइमा उसके पैरेनकाइमा के जस्ट भीतर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं कोलेनकाइमा, और ये पूरे पौधे में पाई जाती है, पूरे पेड़ पर पाई जाती है। जो पत्तियों का बाहरी आवरण है वो है पैरेन्काइमा, पत्तियों पर मिलता है ये, और ये जो कोलेन्काइमा है ये पूरे पौधे में मिलती है और पैरेन्काइमा के भीतर वाला पार्ट है। स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक, नाम से ही पता चल रहा है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं? मजबूत हैं। जैसे आपने नारियल देखा होगा, नारियल के ऊपर जो रेशे हैं वो इसी के बने हुए हैं, स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक के बने हुए हैं। तो यहीं पर क्वेश्चन बनेगा कि नारियल के जो रेशे हैं वो निम्न में से किस ऊतक का उदाहरण है, तो किस ऊतक का है? दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जटिल स्थायी ऊतक। ये ऐसे स्थायी ऊतक हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहला मैं पढ़ता हूं यहां पर फ्लोएम और दूसरा है जाइलम। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एक पेड़ है हमारे पास और ये जो पेड़ है इसको भोजन भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए और जल भी चाहिए। हम लोग जानते हैं पेड़ पौधों की जड़ जो है वो अपने आसपास जो भूमिगत जल है उसको ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा उसको ग्रहण करती है, और पानी को इकट्ठा करके उसको जो टॉप है, पानी जो पेड़ का टॉप है वहाँ तक उस पानी को पहुँचाती है। ठीक, दोबारा से समझिए, जो पेड़ है उसको वाटर की आवश्यकता है, उसको मिनरल्स की आवश्यकता है, तो इन दोनों चीज़ों को जो जड़ें हैं वो अवशोषित कर लेती हैं अंडरग्राउंड वाटर में से, और इसको अवशोषित करके पंप कर देती हैं ऊपर तक। तो नीचे से ऊपर जाएगा, अब ये जाएगा कैसे? इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए वो क्या करती हैं? जैसे हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो लगातार वाष्पोत्सर्जन करती हैं, ट्रांसपाइरेशन करती हैं, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जैसे आप लोग अगर जैसे आपकी बाइक में पेट्रोल कभी ख़त्म हो जाता है तो हम लोग उसमें छोटी सी पाइप डालते हैं और उसको ऐसे मुंह से शक करते हैं और बोतल में डाल देते हैं तो पेट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है। सेम यही प्रोसेस पौधों के साथ में है, जो पत्तियों के द्वारा जो पानी निकल रहा है तो वहाँ पर एक वैक्यूम निर्वात क्रिएट हो गया है पेड़ के अंदर। उस निर्वात के सहारे जो जड़ों ने पानी और खनिज को अवशोषित किया है वो पौधे के सभी भागों को मिलता हुआ जाता है। अब एक चीज याद रखना आप लोग, ये जो जाइलम है वो केवल नीचे से ऊपर लेके जाएगा, किसको लेके जाएगा? पानी को और खनिज को। पानी को और खनिज को कैसे लेके जाएगा? नीचे से ऊपर लेकर जाएगा, और यहां पर पेड़ पौधे को अपनी कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो तो वैक्यूम क्रिएट हो गया है, क्योंकि पेड़ पौधे को तो वाष्पोत्सर्जन करना ही करना है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बनेगा कि जाइलम कोशिकाओं को, जाइलम ऊतक को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो याद रखना है, जाइलम टिश्यू को अपना काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए
अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रैकीट्स, ये क्वेश्चन पीसीएस प्रीलिम्स में बना हुआ क्वेश्चन है। जाइलम में हम लोग जानते हैं जटिल स्थायी ऊतक है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं में एक इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है ट्रैकीट्स, नाम याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पानी को और खनिज को नीचे से ऊपर लेकर जाती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ठीक, अब आते हैं हम लोग फ्लोएम पर। फ्लोएम जाइलम लेके जाता है पानी को, जाइलम पानी को, और फ्लोएम लेके जाता है भोजन को। अब आप लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि पेड़ पौधों में भोजन बनता कहाँ पर है, पेड़ पौधों में भोजन कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या मिलता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को पेड़ पौधों की किचन कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भोजन बना है, इस भोजन को पेड़ पौधों के हर भाग को पहुँचाना है, जड़ को भी पहुँचाना है और ऊपर वाले भाग को भी पहुँचाना है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो करेगा, वो नीचे भी देगा वो ऊपर भी देगा, और ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा खर्च होगी, जबकि जाइलम में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। फ्लोएम में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, सीव सेल और कंपेनियन सेल। ये क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने पहले बताया आपको कि यूपीसीएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बना है। जाइलम में ट्रैकीट्स पाए जाते हैं, एक तरफ जाइलम है एक तरफ फ्लोएम है, जाइलम में ट्रैकीट्स हैं और फ्लोएम में सीव सेल और कंपेनियन सेल पाए जाते हैं। फ्लोएम ऊर्जा खर्च करता है और फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो है, बाई डायरेक्शनल, ऊपर भी देगा और नीचे भी, क्योंकि भोजन की आवश्यकता तो पौधे के हर भाग को है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो पत्तियां हो, चाहे वो उसके ऊपर वाला पार्ट हो। चलिए, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है पूरा पादप ऊतक। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। अब आते हैं हम लोग जंतु ऊतक पर, एनिमल टिश्यूज पर। ठीक है, तो हम लोग एनिमल टिश्यूज को बेसिकली चार भागों में बांट लेते हैं। उपकला ऊतक, इसको बोलते हैं एपिथीलियल टिश्यू, एपिथीलियल टिश्यू। संयोजी ऊतक को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। पेशीय ऊतक को मस्कुलर टिश्यू, और इसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। अब एक चीज याद रखें आप लोग, हमारा जो शरीर है उसका जो विकास हुआ है वो एम्ब्रियो से हुआ है। एम्ब्रियो क्या है, देखिए कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में फर्टिलाइज होते हैं, निषेचित होते हैं, तो फिर बनता है जाइगोट, जाइगोट युग्मनज जिसको बोलते हैं, फिर बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को बोलते हैं भ्रूण। तो वहाँ पर लेयर होती हैं, बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर मीजोडर्म और अंदर वाली लेयर एंडोडर्म। तो यहाँ पर उन अलग अलग लेयर से शरीर के अलग अलग ऊतकों का निर्माण होता है। तो जो संयोजी ऊतक है और जो पेशीय ऊतक है, ये दोनों ये बने होते हैं मीजोडर्म से। भ्रूण की किस लेयर से बने हैं, मीजोडर्म से बने हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनेगा। तंत्रिका ऊतक किससे बना है, एक्टोडर्म से बना है, एक्टोडर्म। देखिए एक्टो मतलब बाहर, मीजो मतलब मध्य, एंडो मतलब अंदर। तो ये जो संयोजी ऊतक और पेशीय ऊतक हैं वो बने हैं मीजोडर्म से, और तंत्रिका ऊतक बना है एक्टोडर्म से, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग क्या करें, देखिए उपकला ऊतक क्या है, एपिथीलियल। हमारे शरीर की जितनी भी बाहरी कवरिंग है, हमारी स्किन है, ये एपिथीलियल टिश्यू है, ये उपकला ऊतक है। ठीक है, अब हम लोग देखें संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू जो दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो उसमें है वास्तविक संयोजी ऊतक। हम लोगों ने देखो कन्वीनियंट स्टडी के लिए इनके ऐसे क्लासिफिकेशन करने पड़ते हैं ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। यह है वास्तविक संयोजी ऊतक, मतलब रियल कनेक्टिव टिश्यू। यह है स्केलेटन टिश्यू और यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो ये तो हम दोनों पढ़ चुके हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब रुधिर, मैंने आपको पहले डिस्कस किया है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, पूरे शरीर की कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। लसिका क्या है, जब ब्लड में से आरबीसी निकल जाती है तो बनता है लिम्फ। मैं लिख देता हूँ एक बार, ब्लड में से आरबीसी हटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, लिम्फ मिलेगा, तो आपको लिम्फ मिलेगा, लसिका मिलेगा।
ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंकाल ऊतक में बोन और कार्टिलेज, बोन है हार्ड और कार्टिलेज है सॉफ्ट, तो कार्टिलेज को सॉफ्ट बोन भी कहते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम होती है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। इन पर आ जाइए, वास्तविक संयोजी ऊतक। तो पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? हमारी स्किन को मसल से जोड़ने का काम करता है। जैसे हम लोग अपने हंसते हैं तो हमारी स्किन और जो मसल्स हैं वो दोनों काम करते हैं। हमारी सबसे पहले स्किन पाई जाती है, फिर मसल पाई जाती हैं, फिर बोन पाई जाती हैं। तो स्किन और मसल को जोड़ने का काम कौन करेगा? एरियोलर, मैं लिख देता हूँ, स्किन और मसल, मसल मतलब मांसपेशी, ठीक है। और अगर इसमें कभी फैट जमा हो जाए, स्किन और मसल्स को जोड़ने का काम किसका है? एरियोलर टिश्यू का। और इसमें जब वसा जमा हो जाता है तो यही क्या बन जाता है? एडिपोज टिश्यू बन जाता है। आपने सुना होगा कि जब बहुत सारे लोग वसा ज़्यादा खाते हैं, फैट ज़्यादा खाते हैं, तो वो मोटे हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि जो उनके एरियोलर टिश्यूज हैं उनमें फैट भर गया है, तो वो एरियोलर टिश्यू क्या बन गए? एडिपोज टिश्यू बन गए, ठीक है। अब आ जाइए लिगामेंट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार और बताता हूँ आपको। लिगामेंट का काम है बोन को बोन से जोड़ने का काम। दो हड्डियाँ हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए ऊपर रस्सी बांध देंगे, वो रस्सी कौन है? वो लिगामेंट है। और लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नायु, स्नायु। टेंडन क्या है? ये मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है, मसल को बोन से, मसल को बोन से। जैसे हमने बोन को जोड़ तो दिया, लेकिन बोन में अब मूवमेंट करना है, उस मूवमेंट के लिए बोन और मसल्स में जॉइंट होना चाहिए, तो वो मसल और बोन का जॉइंट कौन बनाता है? टेंडन्स। अच्छा, कभी कभी इन टेंडन्स में खिंचाव आ जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन, STRAIN। और लिगामेंट में जब खिंचाव आता है उसको बोलते हैं स्प्रेन, SPRAIN। ये क्वेश्चन KBC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये जनरल साइंस है, इसका जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही क्वेश्चन बने। आपकी डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं, अगर आपको इनकी नॉलेज है तो आप लोग अच्छे से उनको हैंडल कर सकते हैं। तो जनरल साइंस किसी एक एग्जाम से बना हुआ टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं है, ये एक जनरल है बिल्कुल, ये हर किसी को पता होना चाहिए। चलिए, तो देखिए, लिगामेंट बोन टू बोन, टेंडन्स मसल टू बोन। अगर टेंडन में कोई खिंचाव है स्ट्रेन, और लिगामेंट में कोई खिंचाव है तो स्प्रेन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है और बन चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखें इसमें कि यहाँ पर आते हैं हम लोग पादप ऊतक पर। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर कलेक्टिवली बोलते हैं संवहन ऊतक, या इनको बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। जैसे हमारे शरीर के अंदर, जीव जंतुओं के शरीर के अंदर जो ब्लड है उसका काम है भोजन को ले जाना, मिनरल्स को ले जाना, CO2 को ले जाना, वेस्ट मटेरियल को ले जाना, ऐसे ही प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम का काम है यही। तो इसीलिए हम लोग इन दोनों को मिला के बोल देते हैं संवहन ऊतक। और पॉइंट समझिए, आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे की आयु पता जब हम लोग करते हैं किसी पेड़ की, तो उसमें कुछ वलय वलय रिंग पाए जाते हैं, एनुअल रिंग्स पाई जाती हैं। तो वो एनुअल रिंग्स किसकी हैं वो समझिए आप लोग। ये जो फ्लोएम है वो सिंपली हमारे पेड़ की जो छाल होती है वो फ्लोएम है। पेड़ की जो छाल है वो क्या है? फ्लोएम। और पेड़ में जो एनुअल रिंग्स बनती है, अगर हम पेड़ के तने को ऐसे काटें इस तरह से, तो जो गोल गोल रिंग दिखाई देती हैं वो जाइलम है, एनुअल रिंग, एनुअल रिंग। और जो लकड़ी है, पेड़ की जो लकड़ी बनती है वो यही है, जाइलम। हम लोग जो पेड़ की, हम लोग जो अपने घर में गेट बनवाते हैं, कुछ लकड़ी का फर्नीचर बनवाते हैं, तो वो किसका बनता है? जाइलम का बनता है, ठीक। तो एक पॉइंट और लिख देता हूँ यहाँ कि जो स्टडी ऑफ वुड है, लकड़ी का अध्ययन, स्टडी ऑफ वुड, इसको बोलते हैं डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। और पेड़ पौधे की आयु पता करते हैं उस हम लोग एनुअल रिंग से, उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, ये था पूरा टिश्यू के बारे में। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टिश्यू में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है।
तो यही केवल 30 से 35 मिनट का जो भी कंटेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टिश्यू से रिलेटेड। इसके अलावा आपको कोई भी रिफ्रेशर, कोई भी एग्जाम मटेरियल कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, एक बार बस देख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।